हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या। स्वागत है आपका सेल की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स आलू कटहल की सब्जी, बिल्कुल नए तरीके की। कटहल की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, मैंने एक कटहल मीडियम साइज का था, उसे मैंने अच्छे से छील के काट लिया है। तो इतना ज़्यादा बड़ा करना है हमें, न ज़्यादा छोटा। आप देख रहे होंगे पीस का साइज़। और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, तो काटने के बाद अच्छे से धो लेना है। और यहाँ 5-6 आलू लिया है मैंने, तो आलू को भी मिक्स करेंगे हम। तो आलू अभी कच्चा है, तो दोनों को हमें साथ में उबालना है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हमें कटहल और आलू दोनों को डाल देना है। तो चलिए पहले कटहल डाल देते हैं। तो अभी कटहल का सीजन है, कटहल बहुत मार्केट में मिल रहा है फ्रेंड्स। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से बनाकर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो पहले हम कटहल को छील के काट लेंगे, अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम कुकर में इसे डाल देंगे, और आलू को भी डाल देना है। और इसमें हमें इतना पानी डालना है कि कटहल और आलू डूब जाए अच्छे से। एकदम भर के भी पानी नहीं डालना है। आप पानी डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे डूब जाएगा कटहल आलू, तो उतना ही पानी डालें इसमें। तो यहाँ मैंने आलू को भी डाल दिया, अब डाल देते हैं पानी। तो 3 गिलास पानी इसमें लगेगा। तो ये देखिए, मैं अंदाज से डाल रही हूँ। उसके बाद इसका ढक्कन लगा के हमें 3 सीटी लगाना है। तो ये देखिए, आलू और कटहल पानी में डूब गया, इतना ही पानी हमें डालना है। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस पे चढ़ा देते हैं, और 3 सीटी हमें लगाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। तो ये देखिए, 3 सीटी लग गया, और मैंने कटहल को निकाल लिया कुकर से, और आलू को भी मैंने निकाल के छील के उसे मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए, मैं दबा के आपको कटहल को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से पक जाना चाहिए कटहल, कच्चा नहीं रहना चाहिए। और आलू को मैंने 2 टुकड़े में कर लिया है, और यहाँ लिया मैंने 2 प्याज, धनिया पत्ती सबको मैंने बारीक काट लिया है, और यहाँ लिया है मैंने 3 टमाटर, लहसुन अदरक और 2 हरी मिर्च। इसका हमें पेस्ट बनाना है, मिक्सी में पेस्ट बना के इसे हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन चढ़ाएंगे, और पैन के गर्म होने के बाद में इसमें 2 चम्मच हमें तेल डालना है। तो 2 चम्मच ये तेल होगा, आपको मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, आप चम्मच से नापेंगे तो ये 2 चम्मच होगा। और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद इसमें हमें कटहल को डाल देना है, आलू को नहीं डालना है, बस कटहल को डालना है। और कटहल को डाल के हमें एकदम अच्छे से फ्राई करना है। तो चलिए पहले कटहल को डाल देते हैं, और कटहल को हम एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी ना सूख जाए और ये हल्का सा ब्राउन ना दिखने लगे। उतना तक हमें इसे फ्राई करना है, और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। तो ये कटहल मैं डाल दे रही हूँ, इसमें जो थोड़ा सा पानी बचा है, तो चम्मच से मैं थोड़ा सा इसे किनारे करके कर रही हूँ, ताकि पानी प्लेट में रह जाए, पानी सहित नहीं डालना है। तो ये पूरा डाल दिया मैंने। अब चलिए इसे हम पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और कटहल को फ्राई करने के बाद में इसे हमें एकदम अच्छे से ठंडा कर लेना है, पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लेंगे, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और उसके बाद इसे हमें मिक्सी जार में डाल के, और इसे हमें थोड़ा सा मतलब मिक्सी चलाना है, जैसे आप एक बार चलाएं घर, फिर बंद करें, फिर एक बार चलाएं, ऐसे करके 2 से 3 बार मात्र चलाएं। तो उससे क्या होगा कि कटहल के कुछ जो पीस हैं वो थोड़े टुकड़े हो जाएंगे, और कुछ साबुत बच जाएंगे। पूरा हमें एकदम से पीसना नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्राई हो गया, इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, गैस मैंने बंद कर दिया। तो मैं आपको बता रही थी फ्रेंड्स कि हमें मिक्सी में डाल के एकदम इसे पीसना नहीं है, इतना इतना आप चलाएं कि बस कुछ टुकड़े इसके साबुत बच जाए और कुछ टुकड़े हो जाएं, बस हमें उतना ही चलाना है। तो इसे मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ, ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, अब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो इसे भी हमें मिक्सी जार में डाल के, और इसका भी पेस्ट हमें बना लेना है अच्छे से। तो ये देखिए, पेस्ट हमारा बन गया। अब इसी पैन में हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है, और पैन हमारा गरम है। अब इसमें डालेंगे तेल, तो तेल हम फिर से 2 चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच हमने डाला कटहल को फ्राई करते समय, और 2 चम्मच मैं अभी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, 2 चम्मच होगा, आप चम्मच से नाप के भी डाल सकते हैं। मैं अंदाज से डाली हूँ, क्योंकि अब डालते डालते आदत हो गया है, पता लग जाता है। अब 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, और जीरा को थोड़ा सा भून जाने देंगे। अब इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, तो तेज़पत्ता को 2 टुकड़ा करके डाल देंगे। एक डालेंगे दालचीनी,
दालचीनी डाल दिया, एक बड़ी इलायची डालेंगे, इससे बहुत मतलब फ्लेवर सब्जी का बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ऐसे तोड़ के डालें, ऐसे साबुत ना डालें, तोड़ दें उसको। इसे डाल दिया मैंने, अब थोड़ा सा इसे भून जाने देंगे हल्का सा। इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे ब्राउन होते तक। तो प्याज पूरा डाल देना है, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। गैस हमारा मीडियम फ्लेम पे है, तो पहले प्याज को अच्छे से भून जाने देते हैं। प्याज हल्का सा भून जाएगा, उसके बाद हमें मसाले डालने हैं। तो गैस को हम कम कर देंगे और तेल को थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे। तो जब भी आप मसाले डालें तो गैस को कम कर दें, एकदम गरम गरम तेल में मसाले ना डालें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, काले काले से दिखने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गैस को कम कर लीजिएगा और तेल को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिएगा। तो प्याज को भी एकदम जलाना नहीं है, बस इतना भूनना है कि इसका कच्चापन चला जाए। तो प्याज हमारा भून गया है, इतना ही हमें भूनना है। अब इसमें डाल देते हैं मसाले। तो गैस को मैंने कम कर दिया, आप देख रहे होंगे। अब मसाले डाल देते हैं, तो आप चम्मच का साइज देखिएगा, ये देखिए छोटी चम्मच है। तो एक चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला, धनिया पाउडर एक चम्मच डाला, फिर से एक चम्मच डाला, तो एक चम्मच मैंने डाला हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, अगर तीखा पसंद हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। अब डाल दिया यहाँ मैंने टमाटर वाला पेस्ट। तो अभी हम 3 मसाले डाले हैं, मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर। अब टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया, थोड़ा सा प्लेट में पानी डाल के इसे भी डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो ऐसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, और कश्मीरी लाल मिर्च जरूर यूज करें फ्रेंड्स, इससे कलर सब्जी का बहुत अच्छा आता है। ये तीखा नहीं होता, बस कलर के लिए होता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। और मसाले को हमें एकदम अच्छे से भूनना है, धीमी आंच पे, हमें भले धीरे धीरे भूनना है लेकिन मसाले को अच्छे से भूनना है। तो यहाँ डाला मैंने 1 चम्मच भर की कश्मीरी लाल मिर्च। अब डाला 1 चम्मच गरम मसाला, और सबको हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है। अब नमक डाल देंगे, तो नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा, मैंने यहाँ 2 चम्मच डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गैस को हम धीमी कर देंगे, और धीमी आंच पे मसाले को हमें भूनना है। तो जब तक इधर हमारा मसाला भूनता रहेगा, तब तक हम कटहल को मिक्सी में चला लेंगे। कटहल भी हमारा ठंडा हो गया है, तो इसे मैं चला लेती हूँ मिक्सी में डाल के। तो आपको मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, आप इतना ही चलाएं जिससे कि कुछ साबुत बचें और कुछ के टुकड़े हो जाएं। आप 2 बार चलाएंगे चालू बंद करके, उतना में ही ये कटहल आपका तैयार हो जाएगा, उससे ज़्यादा हमें नहीं चलाना है। और इधर मसाला भी हमारा धीरे धीरे भुनता रहेगा, गैस को एकदम कम कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। किसी भी सब्जी में मसाले अगर अच्छे से आप भुनेंगे तभी सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है, नहीं तो फिर सब्जी अच्छा नहीं लगता है। और कटहल की ये सब्जी आप ज़रूर एक बार बनाकर देखिएगा इस तरीके से। कटहल की तो बहुत सारी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, कोफ्ता बनती है, मसाले वाली बनती है, उसकी सूखी सब्जी बनती है, भुजिया भी बनती है, लेकिन एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, सबको पसंद आएगा। एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी ये सब्जी बनती है। इधर मैं गैस को कम कर दी हूँ, मसाला हमारा भून रहा है, और मैं उधर कटहल को मिक्सी में डाल के चला रही हूँ, तो वहाँ तक कैमरा से नहीं दिख पा रहा है फ्रेंड्स। तो जब भी आप दूसरा काम करें तो गैस को कम कर दें, ताकि मसाले जो हैं जले नहीं, धीमी आंच पे मसाला भूनता रहे, बीच बीच में इसे ऐसे चलाते रहें। आप चाहें तो कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ढका नहीं है, खुला ही छोड़ा है। इसके बाद मसाले अच्छे से भून जाएंगे, उसके बाद इसमें हमें 2 गिलास पानी डालना है, और जो हमने आलू उबाल के रखा है आलू डालना है, और कटहल को डालना है। और उसके बाद हमें उबाल आने के बाद में गैस को बंद कर देना है। ये सब्जी हमारी फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। बस मसाला भूनने में जो टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मसाले से आप देख रहे होंगे तेल भी अलग दिख रहा है, मसाला भी हमारा भूनकर तैयार हो गया है। धीमी आंच पे ही मैंने भूना है इसे अच्छे से,
और उधर कटहल भी हमारा मिक्सी में मैंने चला लिया है, वो भी तैयार हो गया है। तो मसाले को हम फिर से अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, एकदम पतला नहीं करना है। ये सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ही रहती है तभी अच्छी लगती है, एकदम पतली अच्छी नहीं लगती। और इस सब्ज़ी को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाएं। चावल के साथ तो आप खाएंगे फ्रेंड्स तो आपको दाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी अच्छी बनती है। तो मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 गिलास पानी डाला, कटहल को डाला और आलू को डाला। तो ये देखिए मैंने पूरा डाल दिया। डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो ऐसे अच्छे से चला लें, सबको डाल के मिक्स कर लें और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें। तो ये देखिए सब्जी में उबाल आ रहा है। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि कटहल को तो हमने पहले ही उबाल लिया था, आलू भी उबला हुआ है, तो हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। और ये देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस बंद कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ती। और धनिया पत्ती डालने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको घी पसंद है तो आप ऊपर से 1 चम्मच भर के घी डाल दें, लेकिन मैं यहाँ घी यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि कई बार होता है कि बहुत से लोगों को घी पसंद नहीं आता सब्जी में, तो इसीलिए मैं यहाँ बिना घी का ही आपको बता रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप 1 चम्मच घी ऊपर से डाल लीजिएगा। तो धनिया पत्ती डालने के बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए एक छोटी पैन में मैंने इसे निकाला है सर्व करने के लिए, तो पूरा निकाल लिया है और ये 5-6 लोगों के लिए सब्जी आराम से पर्याप्त हो जाएगा। तो ये देखिए पास से दिखा रही हूँ ये कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनी है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी और बिल्कुल नए तरीके की है कटहल आलू की सब्जी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और इसे आप गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म चावल के साथ में परोस सकते हैं। खाने वाला ज़रूर आपकी तारीफ करेगा, ये इतनी अच्छी बनती है। सो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।